क्या अपील करेंगे? हैदराबाद में पिछले 2019 के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम था, वो एक बड़ा चैलेंज है, क्या अपील करेंगे? मेरी तमाम पूरे वोटर से, इलेक्टोरेट से मेरी दरमंदाना अपील है, उनसे गुजारिश है, अर्नेस रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करिए। ये इलेक्शन हमारे वतन अजीज का सबसे अहम पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, वतन अजीज को बचाएंगे, मजबूत रखेंगे, लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे, जमहूरियत को मजबूत करेंगे। और अगर हमको भरोसा है जमहूरियत में, तो सबसे ज़्यादा उसका बेहतरीन सबूत ये देना है कि आप निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह सब लोग निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और आप देख रहे हैं कि कल से भी खुदा की खुदरत बोलिए कि मौसम भी थोड़ा गर्मी में कमी आई है, तो अब तो आपको निकल कर सबको अपने वोट का इस्तेमाल पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद में, आंध्रा में। एवरी इलेक्शन कैन नॉट बी द सेम एज व्हाट इट वाज 5 years ago. The challenges are different, the issues are different, and of course this is a very important historical parliamentary election in our country, and the issues are not what they were in 2019. It is completely different issues, completely different objective, and people also have a different understanding and what they want for this country as compared to 2019। इलेक्शन जो होता है ना, चाहे किसी से भी मुकाबला हो, उसको सीरियसली आपको लेना पड़ता है। यू हैव टेक एवरी इलेक्शन सीरियसली, वेदर इट्स अ म्युनिसिपल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, जिला परिषद, असेंबली, पार्लियामेंट। इलेक्शन इज इलेक्शन, you don't have this comfort of even blinking, so you'll have to take your every opponent, whether it is X, Y, Z, whatever it is, and then work hard, which we have